इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस के अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम में क्रॉस ओवर की बात कर रहे हैं या म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास TSP प्रॉब्लम पे ये चीज़ किस तरह से होल्ड करेगी या क्रॉस ओवर कैसे होगा, म्यूटेशन कैसे होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ सीरीज हैं ABCD। तो अभी ये फ़िलहाल फिनोटाइप में है, मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ, लेट्स ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से जी, जी से डी, ई, एफ एंड देन ए पे। तो दिस इज़ फिनोटाइप ऑफ RTSP प्रॉब्लम। और अगर इसकी मैं जीनोटाइप क्रोमोसोम की बात करूँ तो आई नो इट्स अ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग किस तरह से है कि यू स्टार्ट विद ए, आप बी पे गए, बी से पे सी पे, सी से जी, डी, ई एंड एफ। तो एक मेरे पास इसका आप ये कह लेंगे पॉसिबल सॉल्यूशन विद सम कॉस्ट, ये आ गया इस केस में जो फिटनेस होगी उसकी कॉस्ट होगी, जितनी कम आपके पास कॉस्ट होगी फिटनेस उतनी ज़्यादा होगी। सो इट्स एन इनवर्स रिलेशन। तो मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ माय क्रोमोसोम C1, एक सॉल्यूशन ये हो गया, और एक और सॉल्यूशन इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरा क्रोमोसोम बनाने के लिए। सो दैट विल बी ए से जी पे आप गए, जी से एफ पे, एफ से ई, डी, सी, बी एंड ए। सो माय अदर क्रोमोसोम विल बी ए, एफ, ए एफ, ई, डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, एंड यहाँ पे हम जी को मिस कर गए हैं। सो व्हाट आई विल डू, बी से हम जी पे चले जाते हैं, देन जी से आप ए पे आ गए थे। तो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन होगी। ए से अगर हम एफ पे गए डायरेक्टली तो ये लिंक हमारे पास नहीं होगा, और लिंक विल बी लाइक दिस। सो ये हमारे पास दो क्रोमोसोम आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन पे क्रॉस ओवर परफॉर्म करना है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, एक क्रॉस ओवर पॉइंट डिफाइन करना होगा। सो क्रॉस ओवर पॉइंट, अगर मैं वन पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक क्रॉस ओवर पॉइंट डिफाइन करता हूँ, दिस इज वन पॉइंट क्रॉस ओवर, 1BC कह देता हूँ, वन पॉइंट क्रॉस ओवर। सो अब इसमें ये होगा कि अगर C1 का हमने हेड यूज़ करना है तो ऑब्वियसली हमें C2 की टेल यूज़ करनी होगी। सो ऑफ स्प्रिंग वन आपके पास कैसे आएगा जी, आपने ए, बी एंड सी, ठीक है जी, ये तीन आपके पास फ्रॉम चाइल्ड C1 आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने जब C2 को लेके आना है, इसकी टेल को कंप्यूट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसमें से ए, बी एंड सी को रिमूव करना होगा, और जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। लाइक हमें क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं आ सकती, TSP जो है इसमें आप एक पाथ दो बार विजिट नहीं कर सकते। सो रिमेनिंग क्रोमोसोम्स जो उसके बच गएंगे, दैट इज एफ, ई, डी एंड जी। सो इस तरह से आपके पास इसमें वन पॉइंट क्रॉस ओवर जो है वो होगा। और इसी तरह से अगर आप टू पॉइंट भी कर रहे हो तो मेन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट इज के आपको दूसरे क्रोमोसोम में आके जो वैल्यूज आप फर्स्ट क्रोमोसोम जिससे ले रहे हो उन्हें डिलीट करना पड़ेगा, एंड देन आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आपके क्रोमोसोम को, जो उनसे आपको टेल चाहिए या मिड पॉइंट चाहिए, टुवर्ड्स दैट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर इसी में मैं म्यूटेशन की बात करूं तो म्यूटेशंस की इसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज लाइक अगर मुझे म्यूटेट करना है, मैं क्रोमोसोम वन को एज अ एग्जांपल ट्रीट कर लेता हूँ कि इसे मुझे म्यूटेट करना है। सो म्यूटेशन इस पे जो है किस तरह से प्लेस होगी, इसमें जो सर्टन
आपके पास क्राइटेरियाज कह लें आ जाते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि इसमें अगर म्यूटेट करना है तो यू कैन स्वाइप देयर पोजीशंस, इस तरह से म्यूटेशन होगा कि लाइक बी को आप ई की जगह प्लेस कर दो एंड ई को बी की जगह प्लेस कर दो, तो रिजल्टेंट विल बी ए ई सी जी डी एंड बी देन एफ। सो एक आपके पास मेथड ये है कि आप इस तरह से जो है म्यूटेट कर दो। एक और आपके पास मेथड ये है कि आप क्या करो, आप पॉइंट्स कंसिडर करके, लेट सपोज मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो ये भी एक तरह की म्यूटेशन होगी, जिसमें इसका रिजल्टेंट जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें जो वैल्यूज आएंगी दैट कंटेन्स ए बी, आफ्टर दैट वी हैव रिवर्स दैट वैल्यूज डी जी सी एंड इन द एंड वी गेट ई एंड एफ। और इन सारे प्रोसेसेस का आउटकम ये होगा कि इन द एंड यू कैलकुलेट इट्स फिटनेस, ये फिटनेस फंक्शन में आप लेके जाओगे, और अगर इन सॉल्यूशंस की फिटनेस ज़्यादा आती है, ये जो ऑफस्प्रिंग्स आपके पास बन रहे हैं अगर इनकी फिटनेस ज़्यादा आती है तो आप उसे क्या करोगे, कीप कर लोगे, यू कीप इट इनटू योर पॉपुलेशन, और अगर नहीं आ रहे तो वो जो है डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टीएसपी इन जीए। कॉन्सेप्ट इसमें जीए का ही जो है सारा यूज होगा, जस्ट इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है ऑन क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन थिंग, इसमें हमें जो है डुप्लीकेशन का जो है ख्याल रखना पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू टीएसपी प्रॉब्लम।